नोएडा के सेक्टर 64 और फेज 2 में दो फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग, डेढ़ दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। नोएडा के सेक्टर 64 स्थित एक्सपोर्ट कंपनी में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की डेढ़ दर्जन गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए सुबह 3 बजे से मशक्कत कर रही हैं, लेकिन आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। आग लगातार सुलगती रही है, अनफायर स्टेशनों से गाड़ियां बुलाई गई हैं। A70 सेक्टर 64 स्थित इस कंपनी में रेडिएंट कुशन बनाने का काम होता है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। इस बीच दूसरी आग लगने की घटना थाना फेज 2 क्षेत्र में C88 हौजरी कॉम्प्लेक्स में हुई, जहां रात करीब 2:30 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। कंपनी सैनिटाइजर बनाने का कार्य करती है। आग पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल एवं दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। ग्रेनो न्यूज़ रिपोर्ट।